आदिवासी सर्व समाज के बैनर तले जय संगठन के लोगों ने एसडीएम कार्यालय पर पहुंचकर एसडीएम और तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति निर्माण की बात कही। आदिवासी सर्व समाज के बैनर तले जय संगठन के लोगों ने एसडीएम और तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि जोबट नगर के एसडीएम कार्यालय के बाहर ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का निर्माण किया जाए। आज सर्व समाज दल द्वारा बाबा साहेब मूर्ति स्थापना के लिए एक ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया गया है और न्यायालय कार्यालय और एसडीएम कार्यालय के समीप उनकी मूर्ति स्थापना के लिए हमने आवेदन ज्ञापन दिया है। पूर्व विधायक रंजना बघेल ने पीले गमछे को लेकर टिप्पणी की है, क्या कहेंगे उसको लेकर? वहीं पिछले दिनों पूर्व विधायक रंजना बघेल के द्वारा पीले दुपट्टे पर टिप्पणी करते हुए दिए गए बयान का जवाब भी जय संगठन के पदाधिकारियों ने यहां दिया। हाल ही में कुछ दिन पहले चोरी हुई थी तो ये सब पीले दुपट्टे वाले थे और जब से ये लोग आए हैं तब से जगह जगह चोरियां हो रही है। पूर्व मनावर विधायक श्रीमती रंजना बघेल द्वारा जयस के पीले गमछे पर जो अभद्र भाषा और उनका विरोध किया है, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि यही पीला गमछा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी को दिल्ली से भोपाल खींच के लाया है। हमारे कई मंत्रिमंडल मंत्रीगणों को पीला गमछा पहनने के लिए यही पीला गमछा ने गले में गमछा डलवाया है और ऐसे कई तमाम समस्याओं को लेकर पीले गमछे ने जो काम किया है, आप कभी भी इस प्रकार की काम नहीं कर सकते हैं। ये पीला गमछा हमारा स्वाभिमान है, हमारा अस्तित्व है, हमारे संस्कृति कल्चर को दर्शाता है और यही पीला गमछा आज पूरे सरकार को झुका के रखा हुआ है। लेकिन माननीय विधायक को यह नहीं पता है कि पीले गमछे की पावर की वजह से आप सरकारी दफ्तरों से लेकर आप अपने आरक्षण का लाभ ले रहे हो और लाभ से भी आप घटिया काम कर रहे हैं, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीला हमारा अस्तित्व है, पीला गमछा ने पूरे प्रदेश में पूरे लोगों को आदिवासी होने का गर्व महसूस करवाया है, सर्व समाज का सम्मान भी करता आया है। इसलिए माननीय विधायक का बखला गई और उठापटक बयानबाजी दे रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में जयस कार्यकर्ता अधिकारियों को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, जोबट।